आज हमारे साथ जैकी बगनानी आए हैं। जैकी तो आपको पता है, सब एक एक्टर है, बड़े एक्टर है, स्क्रीन पे देखते हो, लेकिन अभी सिर्फ स्क्रीन पे नहीं, आप सब जो अपनी स्कूल है बीएमसी के उसमें आप देखोगे जल्दी जैकी को, हर एक स्कूल में जाने वाले हैं। कड़ापन रोज जी पीटी कर दो कि वह व्यायाम कर दो ना, हाथ वर्ती करा, गोल फिरा, डायमंड करा वगैरह, ते तो रोज रोज से झालं, कधी कधी आपल्याला कंटाळा येतो, बरोबर ना। जैकी काहीतरी नवीन करणार आहे। जैकी क्या करने वाले हो आप? कैसे हो आप लोग? तो आदित्य जी ने बोला कि लड़कियां टाइम पे आती हैं, लड़के टाइम पे नहीं आते हैं। आई थिंक ये बचपन से प्रॉब्लम है हमारा ने। लड़कियां हमसे बहुत आगे चल रही हैं अभी। गाइस, वी हैव टू डू समथिंग। 7:30 तो पहले आधे घंटे आके क्या करते हो? इनके लिए वेट कर। क्रिकेट वगैरह खेलते हो? नहीं। सब सीखने के लिए तैयार है और रोज करेंगे? ठीक है, हो गया। जैकी का शिकवा था आपल्याला। जैकी चलो मैं बच्चों को ऊपर बुलाता हूँ, आप शुरू कीजिए। सुनो ना संग मरमर की कुछ भी नहीं है, अरे नीचे बैठे ना, अरे बच्चे लोग मतलब अरिजीत को भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इतना अच्छा गाता है। वेरी गुड, अब थोड़ा कसरत करें। ऐसा प्रोग्राम जैकी ने लाया है बीएमसी स्कूल्स में, उनको खास धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो खुद एक फिटनेस बफ है। आप तो जानते हैं सब कि वो कितने 140 केजीज के थे और अभी तो सिक्स पैक्स वगैरह आ गए हैं, तो बच्चों को सिक्स पैक्स तो नहीं। एक्चुअली इन्होंने मुझे बोला था इनके नेक में है, बट ये फिर भी आए, बिकॉज यू नो कोई भी और होता तो कैंसिल कर देता, बट क्या है नेक इज वेरी सेंसिटिव। मैंने इन्हें कहा था कि आप प्लीज स्टेज पे आना मत, बिकॉज नेक आपका बैक बहुत सेंसिटिव होता है और उससे मस्ती नहीं करनी चाहिए। अगले प्रोग्राम में हम कॉम्पिटिशन करेंगे। फुटबॉल अच्छा खेलते हैं बहुत, और अब नेक्स्ट टाइम प्लीज मुझे भी बुलाना। मैं ये कहूँगा कि जब मैं स्कूल में था तो मुझे गाइड करने वाले बहुत लोग थे, लेकिन जो भाषा बच्चे समझते हैं वो कोई समझा नहीं पाता था कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बिकॉज मैं वहाँ से गुजर चुका हूँ, मैं समझता हूँ कि वो क्या फील कर रहे हैं, और यही है कि अगर उन्हें आप इंटरेस्टिंग तरीके से वो चीज़ दें तो वो उसे पिकअप कर लेंगे।
ना कि हम सीरियस तरीके से बताएं कि वर्कआउट करो। हम सबको मालूम है वर्कआउट करना अच्छा होता है, शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन मज़ा करते हुए कैसे आप उन्हें वो करा सकते हैं, वो हमारी कोशिश है। एंड थैंक्स टू आदित्य जी एंड BMC एंड शिवसेना दैट यू नो हम जैसे लोग बहुत चाहते हैं ये सब करना, लेकिन हमें वो मौका नहीं मिलता। ये बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, शंकर महादेवन जी का क्लास भी इन्होंने मुझे बताया था लास्ट टाइम। सो इट्स ग्रेट दैट यू नो म्यूनसिपल बच्चों को इतना कुछ हम दे पा रहे हैं, बिकॉज करना तो सब कुछ चाहते हैं लेकिन जरिया बहुत लोगों को मिलता नहीं।